प्रिय स्वागत पारंपरिक माछ चाष को जीविका करथेबा कटक किशोरनगर सामंतारापुर युवचाषी मनोज विषोई लॉकडाउन समय यूट्यूब रु मोती चाषर लाभ बुझिबा परे निजर माछ पोखरी रे सामुका पालन करी आरंभ करछंती मोतीर प्रथम अमल 15 मास परे अमल होइतिबा मोती गुड़िक बाहर राज्य रे गोटा प्रति 100 रु 400 टंका रे बिक्री हेबो। माछ चाष तुलन रे एहा अधिक लाभजनक। कटक जिला किशोरनगर ब्लॉक सामंतापुर गाँव में युवचाषी मनोज विषोई उद्यम गढ़ी उठी माछ और मुक्ता चाष फार्म। यार 5 एकर परिमिति जमी रे 1983 मसीह पोखरी खोली माछ चाष आरंभ करथिले मनोज को बापा। तेबे से चाकरी रे जोग देबारु मनोज 1997 परठारु यार दायित्व नहीं पारंपरिक माछ चाष सहित आरंभ करथिले जांळ उत्पादन। माछ और जांळ उत्पादन सहित मनोज विभिन्न फल फूल और पनीपरिबा चाष करथांती। लॉकडाउन समय यूट्यूब रु मोती चाष देखिबा परे ए चाष प्रति आग्रही मनोज घरोई संस्था और सिफा ठारु तालीम नै आरंभ करथिले ग्रामीण अंचल रे नुआ करी मोती चाष। मनोज कहंती पोखरी रे सामुका पाली 15 मास परे सेथिरु अमल करिथिबा मोती बाहर राज्य गुडी को 100 रु 400 टंका रे बिक्री होई परिबो। हमर ए माछ चाष विषय रे हमर बहुत जिबा आसीबा सिफा संगे कनेक्टिंग थाए तो सेठी ट्रेनिंग दिया हुए मत कि साइंटिस्ट मैंने कही मुक्ता चाष कराया। जो लॉकडाउन है आमर 2019-20 तो सेतबे मु यूट्यूब देखिक यूट्यूब चैनल मुझे चाहिए जे टी मुक्ता चाष करने तो तापर मु मुक्ता चाष आरंभ करी प्राइवेट रु कि ट्रेनिंग नहीं आ सिफारू भी ट्रेनिंग नहीं मुक्ता चाष करी। आज को 1.5 वर्ष तले निज माछ पोखरी रे मोती चाष आरंभ करथिले मनोज। एथिपाई आवश्यक सामुका और न्यूक्लियस मगाइथिले बाहर राज्यरू। सामुका गुडी को सर्जरी करी ता छाती रे प्रतिरोपित होइथिला विभिन्न आकारर न्यूक्लियस। सर्जरी परे 2 सप्ताह निरीक्षण कुंडरे रखी पोखरी को स्थानांतरण करा जाइथिला। एकाधिक सामुका को जाल रे पंजुरी रे बांधी रस्सी सहाय्य रे पोखरी रे झुलाई रखा जाइथिला। एभली भावे सामुका गुड़िक पोखरी रे 14 मास रहिबा परे ठीक 15 मास रे आरंभ होईछि अमल। सामुकार छाती चिरी तारी भितरे बढ़िथिबा मोतीर दाना को प्रदर्शित करुछंती चासी। मनोज को एभली प्रयास अनेक परिवार को जीविका देवा सहित युवावर्गक पई प्रेरणादायी होई परिछि बोली कहिसंती एही ग्रामर बासिंदा प्रदोष महांती और नियोजित श्रमिक टुनिया भई। बाहर स्टेट्र मार्केट भल तेणुक आम चेषा करूँ जो मैंने आमको ट्रेनिंग देते प्राइवेट जो ट्रेनिंग नहीं से कहते जे यार माने येटा को माने 100 टंकार गोटे मुक्ता 100 रु 400 टंका जाए तार पर पीस बिक्री हो पार मार्केट रे। तेणुक आम चेषा करूँ जेहेतु कोरोना काल सकाशे यार मार्केटा डाउन अच्छी तेना कितु मार्केट यार भल अच्छी आग को भल रिजल्ट दब। नुआ मुक्ता चाष आरंभ करनीपरिया मुक्ता चाष करे और जिते छोट बड़ू से ये आचिव कर आम अंचल गर्व। तेणुक सी युवपीढ़ी मान से बहुत उदाहरण सृष्टि करूँ। माछ पोखरी मोती उत्पादन मनोज को आर्थिक दृष्टि लाभवान कराइबा सहित क्षति कमाई और बन्या बात्यारे क्षति हेबार आशंका को दूर करिछि। कटक महांगारू असित सामल रिपोर्ट अर्गस न्यूज। अनुगुल जिले में वृद्धि पाउछि हाथी उपद्रव। हाथीपल जनबसती मायुंट अनेक समय धनजीवन नष्ट भी करुंट। वन विभाग कर्मचारी हाथीपल को नियंत्रण करने नाकेदम्बी होती परिस्थिति रे तैयारी होछि लाइटर गन। जिलार रसानाल नामक जड़े व्यक्ति निजस्व ज्ञान कौशल या तैयारी करछंती। तेबे कौन ए लाइटर गन कौन यार विशेषत्व देखिबा रिपोर्ट। बंधुक नुहे फुटुछि गुली बाण नुहे हेउछि विस्फोरण शब्द जहार ना लाइटर गन। हाथी और अन्य वन्य जंतु घोड़ाइबा पई व्यवहार करा जाउछि एही लाइटर गन। परीक्षामूलक भावे वन विभाग एही लाइटर गन व्यवहार करी हाथी घोड़ाउछि। अल्प केतखंड प्लास्टिक पाइप और बोतल ठिपी एक गैस लाइटर व्यवहार करी प्रस्तुत करा जाइछि एही लाइटर गन। जहार विशेषत्व हेउछि एहा बिना नियारे बाण फुटवा भली शब्द करने सह वन्य जंतु को भयभीत कराइबा आ सबुठ बड़ कथा यहाको प्रस्तुत करिसेंते अनुगुल जिला बंतला कलेपड़ा गाँवर रसानंद साहू। निजस्व ज्ञान कौशल रे तैयारी करिसेंते से एही जंत्र को लाइटिंग गन अर्थात हाथी घोड़ा जंत्र बोली ना दिया जायछि। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सहित राति पेट्रोलिंग मोर ड्यूटी पड़े देखिली से बम दुकान बाड़ी बाण कि हाथी की वन्यजंतु मान को घोड़ापी जाते बाण फुटेवा द्वारा निआं लगे दरकार पड़ा हाथ में धरी बमुड़ा को फिंगी दौरान फिंगी देलापर जदि अकस्मात हाथ में फुटिगला दुर्घटना भी घटीपे। तापर बमुड़ा जो फिंगा जाऊँच जंगल भीतर को सुखिला काठ पत्र द्वारा निआं लगी जंगल भी नष्ट हो जापे। से ही दृष्टि मोर मन को चिंताधारा आसला ये गोटे जंत्र तैयारी कले जंगल वन्यजंतु मान को घोड़ाई जापर। हाथी लगे सब बाण फुटा मो स्वामी देखिकी आसिले कौन गोटे मुंडे डुला याड़े जहाँ कौन कर बाण गोटे या फुटब कार्बाइट देकर आड़ फुटेले तो भल लगला जब छुआ समस्ते खुशी हो गले। जंत्रु ना निआ कि धुआ बाहु ना ए बारूद व्यवहार कर कार्बाइट और पा व्यवहार कर लाइटर मारिबा मात्रे रासायनिक प्रतिक्रिया होई प्रचंड शब्द हुए। मात्र 100 ग्राम कार्बाइड को व्यवहार करी 25 थर गुली फुटाई हो तेणु खूब कम खर्च रे एभली यंत्र व्यवहार करी हाथी घोड़ा जाई पारुछि। खाली सेतिक नुहे बारूद किंबा निआं हुड़ा द्वारा हाथी घोड़ाइले मनीष और जंगल प्रति विपद रही थाए। अनेक समय बाण फुटे वन कर्मचारी आहत हेबा एवं निआं लागे जंगल पोड़ी हेबार मध्य उदाहरण रहिछि। तेणु एही लाइटर गन व्यवहार को विपद मुक्त बोली कहुपे। सी मैंने निज सुरक्षा जीवजंतु सुरक्षा जंगल सुरक्षा बहुत भी उपकार होपकार भी देखुचु। सब रात फुटेल बहुत दूर को शब्द भी जाऊँगी बहुत सुरक्षा ठीक अच्छे बहुत उपकार लगे। बाण अपेक्षा यहाँ बहुत बेटर कहीं बाणटा जड़े मनीष फुटेब निआ लगेला से हूँ तो फुटीगले तार किसी क्षति हो पाए। बाणटा जो जगह लगौच धर आम हाथी की घोड़ौचु बाण फुटाऊ धर ये निआँटा छिटिकी जापे किसी विपद आसपे से बाण अपेक्षा यहाँ बहुत भल निआं बाहर ना धूआं भी बाहर ना खाली आवाजटा आसूसी ये भी हाथी की आम भलरे गुड़े मानने घोड़े हम। तेज केवल बंतल वनांचल नुहे राज्यर विभिन्न वनांचल में हाथी घोड़ाइवाई रसानंद लाइटर गन यंत्र व्यवहार कर। अनुकूल तपन दास रिपोर्ट अर्गस न्यूज। खबर जारी रही समय से एक ब्रेक। ब्रेक स्वागत। बढ़ुची हृदघात विशेष भाव में अल्प बयसर व्यक्ति भी हृदघात आक्रांत होती आपण जानतर कहीं ना कहीं संपर्क निश्चय थे जहां हार्टचोक व हार्ट आटाक देहांत हो तेज हृदय को सुस्थ रखापी आसत जाना अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन नूतन गाइडलाइन आउ चलबनी खाइबा पीवा को नहीं आपणकर दिल है कि मानता नहीं डायलॉग बाजी कारण विश्व में हृद समस्या जटिल रूप ने प्रथमतः आपण को फ्रेंच फ्राई बर्गर पिज्जा एवं कोल्ड ड्रिंक्स संपर्क काटिबा को पड़िबो। अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन रो पूर्वतन मुख्य डॉक्टर रॉबर्ट केल स्पष्ट भाव में एक को बुझे देछंती। से भले डॉक्टर एलिस एस लिक्टेस्टाइन हृदय को सुस्थ रखिबा पाई मध्य अनेक किछि टिप्स देछंती। तबे आसंतो नजर पकेबा अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन रो गाइडलाइन उपरे। निजर व्यस्तबहुल समय भितर भी गोटे सप्ताह रे अंततः 150 मिनिट आपण को वर्कआउट बा व्यायाम करबा पई पड़िबो। शरीर रे ऊर्जा संतुलन रे यह बेस सहायक होइथाय कारण बयसर प्रति दशक रे ऊर्जा 70 रु 100 कैलोरी पर्यंत कम हुए। तबे एक्सरसाइज को नै आपणकर कोनोसी बहाना चलिबो नाही। शरीर रे फाइटोकेमिकल्स अधिक पई प्रचुर पनीपरिबा व फल खाइबा ऊपर गुरुत्व दियंतु। सबुज पनीपरिबा रे थिबा पोषक तत्व आपण को सुस्थ रखिबारे प्रमुख भूमिका निर्वाह करे। फल रस ठारू मध्य अधिक लाभप्रद होइथाय मुग डाली एणु निज खाद्य रे मुग डाली को शामिल करबा को आदौ भूलंतु नाही। रिफाइंड बा प्रोसेस फूड ठारू दूरे रहंतु कारण खाद्यर पोषक तत्व एथिरे नष्ट होई जाइथाय। शरीर रे प्रोटीन रो मात्रा वृद्धि हेबा निहाती दरकार। सेहित पई सोयाबीन डाली चना मटर और शस्य जातीय खाद्य को निज रुचि रे गुरुत्व दियंतु। केवल हृदरोग दूर पाई नुह मेद बहुलता नियंत्रण रे यह बे सहायक। कार्डियोवास्कुलर विपद को 30% पर्यंत नियंत्रण करिपारे पॉली अनसैचुरेटेड फैट तेल सहायक होइथाय। एणु खाइबा तेल रे आपण कोन व्यवहार करूछंती ताहा बुझी विचारी व्यवहार करंतु। हृदरोगठू दूरेई रहिबा पाई नडिया तेल को खाद्य प्रस्तुति प्रणाली रे शामिल न करिबा बुद्धिमान रो काम हेबो। अधिक चीनी बा अधिक लुण खाउतबा व्यक्ति सतर्क रहिबा आवश्यक, कारण रक्तचाप सहित यार सीधासख संपर्क रहुछि। खाद्यरे आवश्यक परिमाणर लुण बा चीनी ही आपनको सुस्थ रखिबो। तेबे बदलथबा जीवनशैली भितरे भी आपण केमिति निरोग रहिबे ताहा संपूर्ण आपनको ऊपर निर्भर करे। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज। राज्य में तापमात्रा बढ़िया सहित शीतर प्रकोप कमी। उत्तर पूर्व दिगुरु ठंडा वायुर प्रवेश परिवर्ते पश्चिम वायु प्रभाव जोगु राज्य में आगामी 3 दिन जाए वर्षा होवार संभावना रही। सोमवार राज्यर केतेक स्थान में आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सहित हल्का मध्यम धरणर वर्षा होता देखा मिली। पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार आज उपकूल ओडिशा सहित अभ्यंतरण ओडिशार केतेक स्थान में वर्षा होवार संभावना रही। एसबू जिलागुड़िक संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज और बालेश्वर। सेपरी राज्य में रात्रिकालन तापमात्रा वृद्धि घटी। दारिंगबाड़े सर्वनिम्न तापमात्रा 11.5 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा बेले फुलबाणी 15 और पारादीप ठारे सर्वनिम्न तापमात्रा 20 डिग्री रेकर्ड होइछि। ए संपर्क अधिक सूचना पाई रही आम प्रतिनिधि चिन्मय साहू। चिन्मय, हठात पागरे परिवर्तन कारण देखो दिनर तापमात्रा बढ़ुची, कारण जो भी भाव देखा शीतर प्रकोप भी कमुची, किंतु अचानक पुणी थे वर्षा एक प्रकार आरंभ होइछि। तो पाणीपाग विशेषज्ञ कौन कहते एभली परिवर्तित पाग को नहीं? निहती भाव नीलिमा गोटे कथा कहवाक चाहिए। एवं 3 दिन लगातार 3 दिन धरिकी वर्षा लगी रहा पाणीपागर सूचना रही। जदि कहवा भद्रक, बालेश्वर, संबलपुर, नयागढ़ यू जिलागुड़िक वर्षा लगी रहा। सहित जदि कहवा काली संध्या बेले कटक भुवनेश्वर कथा जदि कहवा कटक भुवनेश्वर में सामान्य वर्षा होता। आज सकाल स्थिति जहाँ रही भुवनेश्वर में आज सकाल कुहुड़ी देखा मिलूँ। और जदि तापमात्रा कथा कहे राति बेला तापमात्रा बहुत कम रही जहाँफल शीत बढ़ुची। सकाल तापमात्रा जदि कहवा पाग सुखिला रहुची। जहाँ एपर्यंत जहाँ सूचना रही कि लगातार भाव 3 दिन धरी वर्षा मध्यम धरणर वर्षा हेबो ता सहित हल्का पवन सहित वर्षा हेबार जहाँ सूचना रही। नीलिमा, केते दिन पर्यंत एभली पाग लगी रहिबो? चिन्मय, पाणीपाग विभाग एने कोन आकलन करछि? पाणीपाग विभाग जहाँ सूचना रही लगातार काली संध्यारू वर्षा आरंभ हो सारी और 3 दिन धरी लगातार भाव में वर्षा जारी रहिबो। जहाँ सूचना रही भद्रक, बालेश्वर, जगतसिंहपुर, मयूरभंज यही सब जिलागुड़िक वर्षा लगी रहा। पाणीपाग तरफ कहुई जो मैंने जो चाषी मैंने धान काटी धानगुड़ी तुरंत उच्च स्थान को नहीं जातु, सुरक्षित रखु। 3 दिन धरी लगातार भाव में वर्षा रही। धन्यवाद चिन्मयी। रही प्रतिनिधि चिन्मयी साहू। समय बुलेटिन को रखा। नमस्कार।